हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू नंबर 13। ओके, हम क्या करेंगे आज? नंबर 13। ओके, चलिए पहले हम काउंट करते हैं। ओके, ये क्या है? क्रिकेट बैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, कितने हैं ये? 13 बैट। ओके, अब देखिए हम और भी कुछ ट्राई करते हैं दिखाने के, ठीक है ना आपको? 13 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 2 डिफरेंट, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, then 8, then 9, 10, 11, 12 and 13। ठीक है, पेंसिल, पेन, कलर्स, शार्पनर, इरेजर, सबको क्या हो गया? कितने हो गए ये टोटल करेंगे तो हम कितना है ये? 13। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। ओके, चलिए हम ऐसे ही काउंट करेंगे, इससे हमें बहुत जल्दी से आता है, ठीक है ना? चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी बुक में कैसे लिखा है? ऐसे 3 लिखा है, ठीक है ना? और हमने नोटबुक में कैसे कराया है? देखिए मैंने नोटबुक भी सेट कर रखी है। नोटबुक में हमने कैसे कराया है? स्लीपिंग, स्लैंटिंग एंड देन कर्व। ओके, लेकिन हमें बुक में ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, क्योंकि हम बुक को चेंज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अपनी नोटबुक में चेंज कर सकते हैं। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बुक में स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करें। 1, 3, 13 स्टार्ट करिए। 1, 3, 1, 3, 13। 1, 3, 13। हम क्या लिख रहे हैं ये? 13, नंबर 13। बस आपको बोल बोल के लिखना है, ठीक है? इससे आपको क्या होगा, आपको हमेशा लर्न रहेगा कि हमने क्या लिखा है। हम आपसे पूछेंगे ना, बेटा आज आपने कौन सा वर्क करा है बताइए, तो फिर आप बोलेंगे मैम 1, 3, 13। लेकिन हर टाइम 1, 3, 13 नहीं बोलना, हमको 13 ही बोलना है। ओके, थर्टीन, जितनी बार लिखते हैं उतनी बार बोलिए। ओके, 13। चलिए अब सेकेंड लाइन पे आ जाए, स्टार्ट करते हैं। 1 and 3, 13। 1, 3, 13। 1, 3, 13। नंबर 13। हमने अभी 12 किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर 13। ओके, जब हम बोल बोल के लिखेंगे ना तो हमें याद भी हो जाएगा कि हमने 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। ओके, आप चलिए थर्ड लाइन पे आते हैं। ओके, 13। नंबर 13, 1, 3, 13। पर बार बार हम नहीं बोलेंगे 1, 3, क्योंकि फिर हम ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है ना? तो हम 13 नंबर ही लिखेंगे। ओके, ऐसे बोलेंगे हम क्या लिख रहे हैं? 13। कौन सा नंबर है ये? नंबर 13। ओके, चलिए अब हम आते हैं फोर्थ लाइन पे, ठीक है? जब फोर्थ लाइन कर लेंगे ना तो उसके बाद आपका क्या होगा?
सारा ही आपका रेस्ट ऑफ दिस दिस इज़ योर होमवर्क। ओके फिर मैं आपको नोटबुक में वर्क कराऊंगी। फिर अभी गंदा सा बन गया, अगर आपका गंदा बनता है तो आप उसको इरेज कर दीजिए, क्योंकि आपका वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना। वन थ्री थर्टीन, वन थ्री थर्टीन। ओके रेस्ट ऑफ दिस इज योर होमवर्क। ओके चलिए हमने नोटबुक में कर रहा है, जैसे मैंने करा है ना पेरेंट्स, आपको क्या करना है पहले ऐसे लिखना है टी ओ टी ओ, जैसे आपने कल क्लास में बहुत अच्छा कराया था मिसिंग लेटर, वेरी नाइस, सब पेरेंट्स ने ऐसे ही लिखा हुआ था मोस्टली, ठीक है। और आपको अब 1313 ऐसे लिखना है, ठीक है, 1313, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब आपको नीचे आगे डॉट लगाना है, ओके, बस नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वन थ्री कैसे बनाना है हमें, स्लीपिंग स्लैंटिंग एंड को, बस आपको ये याद करना है, आपको यही लिखना है आगे भी, ठीक है ना, क्योंकि हम बुक को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नोटबुक में हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। वन थ्री थर्टीन, स्लीपिंग स्लैंटिंग एंड देन कर्व, ओके, तो क्या बनेगा हमारा ये, थ्री स्लीपिंग स्लैंटिंग एंड देन कर्व, क्या बनाइए हमारा, वन थ्री थर्टीन। वन लाइन में आपको और कर देती हूँ, फिर आप अपने आप से करेगा, ठीक है। वन थ्री थर्टीन, ठीक है, आपको ये वाला थ्री याद करना है, स्लीपिंग स्लैंटिंग एंड कर्व, ओके, वन थ्री थर्टीन, ओके ओके, थैंक यू।